हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में हमारा जो पहला पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को साइन कोस टेन सब कुछ आता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आती होगी, और साथ में 0 से लेके 90 डिग्री तक की जो हमारी एक टेबल बनती है जिसमें साइन कोस टेन जितने भी जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज है वो भी आपको बहुत अच्छे से आती होगी। तो आज कुछ हम नया सीखेंगे, इतना बेहतरीन कि जिससे हम बहुत आसानी से बड़े एंगल्स की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल डिजाइन करना है। सर्कल डिजाइन कर लिया हमने, अब इसे हम चार पार्ट में सब डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम 0 डिग्री बोल रहे हैं, 0 से जब हम यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री से और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री से और 98 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, 270 से और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो जो वैल्यूज हमारी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की 0 पे आती है वही आती है 360, मतलब हम एक पूरा सर्कल घूम के आ गए यहाँ पर। जो हमारा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको हम कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ए, इसको एस, इसको टी और इसको सी। इसको हम याद इस तरह से रखेंगे, आल सिल्वर टी कप्स, आल सिल्वर टी कप्स। आल का मतलब यहाँ पे जितने भी है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब के सब यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। जैसा कि एस, एस में ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है साइन, तो साइन और इसका एक और रेसिप्रोकल होता है जिसको हम बोलते हैं कोसेक, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। जैसे टी, टी से हम जानते हैं क्या होता है टेन, टेन का उल्टा क्या, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे सी का मतलब होता है कोस, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या अपने अकॉर्डिंग इनको हमने दो कैटेगरी में मैंने एक सब डिवाइड किया है, जिसमें पहला जिसे हम बोलते हैं इवन जोन, इवन जोन, इवन जोन का मतलब होता है लाइक थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 सॉरी 360 माइनस थीटा। तो इसको हम बोलेंगे इवन जोन। इवन जोन में अगर कोई साइन है तो वो साइन साइन ही रहेगा, कोई चेंज ना आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नो चेंज। नेक्स्ट वन मैंने यहां पे एक डिजाइन किया है जिसे हम बोलते हैं ऑड जोन। ऑड जोन में जैसे हम बात करें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। इसको मैं ऑड जोन इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे हमें इजीली याद रह जाएगा कि ये 18, 18, 36 ये इवन नंबर्स हैं, ऐसे इसमें 9, 9, 27, 27 ये ऑड नंबर, इसलिए मैं सिर्फ इसको ऑड जोन बोल रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? तो अगर कहीं पर भी इस टाइप की कोई चीज आएगी तो साइन जो रहेगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कोस में, और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ऐसे ही टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और कोट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, ऐसे ही सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। तो आपको सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है। वापस रिवर्स चलते हैं, हमने एक सर्कल डिजाइन किया 0 से लेके 360 तक घूमे, पहले पार्ट को हमने यहाँ पे ऑल बोला, इसको सिल्वर, इसको टी, इसको कप्स। ऑल का मतलब सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव, सिल्वर का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, ऐसे ही सी का मतलब कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सो कि आप ये सर्कल आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। तो अब जैसे ही हमने ये वाली चीज भी समझ में आ गई हमें, इवन जोन का मतलब 18, 18, 36, इसलिए मैं इसको इवन जोन बोल रहा हूँ।
जैसे 9 9 27 27 तो इसको हम इसलिए मैं यहाँ पे ऑड जोन बोल रहा हूँ। इवन जोन कहीं पर रहेगा तो नो चेंज, और यहाँ पे अगर ऑड जोन रहेगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन कोस में कोस साइन में, से टेन कोट में कोट टेन में, से कोसेक में कोसेक से। अब यहाँ पे इसे भी मैं हटा देता हूँ, ये भी आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो फिर वीडियो को ऐसे पॉज करके और ये वाला नोट कर लीजिएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगेन हमने वही सर्कल लेना है इस तरह से, ये वाला 0 90 180 270 एंड 360, इसको हम ऑल बोल रहे थे, इसको सिल्वर, इसको टी, इसको कप। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको वैल्यू दी है एक साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। साइन 120 मतलब ये किसके घर में आ रहा है तो देखते हैं अपन। जीरो से आ गए 90 90 से और हमें 30 चलना पड़ेगा, मतलब हम किसके घर में, यहाँ पे साइन के घर में, साइन के घर में है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है साइन है तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे साइन 120, और साइन 120 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 प्लस 30, अब इसके दो भी हो जाएगा इस तरह से, इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या फिर दूसरी साइड हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि भैया साइन यहाँ पे 90 प्लस 30, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन साइन 9 9 यहाँ पे ओड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा कोस में, तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कोस 30। उसके बाद साइन यहाँ पे अपने ही घर में है तो उस वजह से इसके आगे चाहे तो हम क्या है प्लस साइन लगा सकते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे साइन 180 माइनस 60, तो 18 यहाँ पे क्या है इवन है, तो इवन को हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन है तो ये साइन ही रहेगा साइन 60, और यहाँ पे ये भी साइन अपने ही घर में इसलिए इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव मान रहे हैं। कोस 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है √3/2, ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है √3/2। तो आपको यहाँ पे दो मेथड अप्लाई नहीं करनी, आपको कोई सी भी एक यहाँ पे उठा लेना है और सोल्व कर लेना है। ऐसे हम अगले आते हैं, तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 300 डिग्री। अब 10 300 डिग्री को हम क्या करेंगे, किस तरह से लिख सकते हैं 300 देखे, तो पहले तो ये देखिए कि ये किसके घर में है, तो यहां से हमने देखा गए 90 180 270। अब 2 और 300 जो आता है वो 360 और 270 के बीच में आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं भैया यहाँ पे कि 10 यहाँ पे किसके घर में बिलोंग कर रहा है कोस में, और अपने घर में सब पॉजिटिव होते हैं, तो किसी और के घर में चले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं भैया, जैसे 300 300 270 में कितना ऐड करें कि भैया ये कितना आ जाए हमारा 300 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 270 प्लस 30, या फिर और आगे हम बात करके इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 360 माइनस 60। ओके, अब यहाँ पे अगर हम आगे की बात करें तो 10 यहाँ पे किसके घर में है, कोस के घर में, तो ये हमारे कंफर्म हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो चलिए भैया 10 27 27 क्या है हमारा ओड जोन में आ रहा है, तो 10 किस में कन्वर्ट हो रहा था कोट में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 10 है वो कोस के घर में है। चलिए तो माइनस कोट 270 हटा के अब यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, यहाँ पे ये 30 जो भी आगे का उसको अपन वैसे भी यहाँ पे इलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे 10 360 माइनस 60, तो यहाँ पे 36 कौन सा जोन हो गया ये इवन जोन, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन माइनस में आगे से पहले ही लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये कोस के घर में है, अपने घर में पॉजिटिव रहेगा दूसरे के घर में यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो चलिए माइनस यहाँ पे इसको हटा दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन जोन है तो 10 यहाँ पे 10 ही रहेगा, 60 है तो एन डी लिख दिया 60। चलिए भैया माइनस कोट 30 कितनी होती हो गई इसकी वैल्यू, माइनस तो माइनस कोट 30 वैल्यू हम जानते हैं सभी कितनी होती है √3, ऐसे यहाँ पे 10 60 10 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे √3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा -√3। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, अब मैं अगला और लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा हूँ वो कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, 10 8 40 डिग्री। अब ये तो काफी बड़ा एंगल हो गया, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ इसको। देखो 10 8 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी 840 या 360 से ज्यादा कोई वैल्यू आती है तो हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, दो बार, कितना हो जाएगा 720। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 2 मल्टीप्लाई 360, तो ये कितना हो गया 720। 840 में से 720 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 120। तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 120। सीधी सी बात है, 840 में आपको किससे डिवाइड करना है, 360 से, दो बार चला गया तो 2 into 360 लिया, कितना ड्यू बचा अपना 120 दस लिया। इसके आगे की जो जो भी कोई वैल्यू लिखी होती है इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है जीरो, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया वापस घूम फिर के हम कहाँ गए, दो चक्करों के बाद यहीं पर, तो इसकी जगह हम जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 10 120। अब 10 120 120 किसके घर में, जीरो से आ गए 90 और 180 के घर में, हम 90 और 180 के बीच में किसका घर है, ये साइन का, लेकिन साइन के घर में कौन आ गया यहाँ पे 10। अब 10 आ गया तो भैया इस केस में क्या हो जाएगा कि जो जिसकी वैल्यू हो जाएगी वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, क्या रहेगी अब नेगेटिव। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको मैं अब एक ही तरीके से सोल्व कर रहा हूँ इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये 10 120 को मैं चाहे तो ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। तो मैं लिख देता हूँ इसको 10 180 माइनस 60, आप चाहे 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात, 10 किसके घर में आ गया, साइन के घर में, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव, तो आगे हम पहले माइनस साइन लगा देते हैं 10 180 माइनस 60 18 क्या है ये इवन जोन में, इवन जोन में तो 10 क्या रहेगा 10 ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो इस फॉर्म क्या लिख सकते हैं 10 10, ये आ जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा 60, और हम जानते हैं 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा -√3, इतना सा समझ में आ गया। तो ये सिर्फ आसान तरीका था कि हमें किस तरह से बड़े बड़े जो एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बड़े बड़े एंगल भी रख दें तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है। अगला जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले वेक्टर, तो बहुत अच्छे से इसे एक बार आप, अगर आपको एक बार में कोई समझ में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं, और अगर मान लो अगर कहीं पर कोई भी आपका कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आपको हमें बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, थैंक यू सो मच।